कोविड ओमिक्रॉन XBB, जी हाँ, ये वायरस की नई किस्म जो कि चाइना में बहुत ज़्यादा तबाही फैला रही है। पाकिस्तान की हकूमत ने भी इसकी वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया है। आज की वीडियो दोस्तों अपने चैनल हेल्दी टॉक से बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। ओमिक्रॉन कोविड XBB क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं और इसमें और पुराने जो कोविड का वायरस था उसमें क्या फ़र्क है, इनकी अलामत में क्या फ़र्क है, ये वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ये जानने के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, कोविड ओमिक्रॉन XBB ये नया वायरस है जिसने चाइना में तबाही फैला दी है और बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका और दूसरे ओमिक्रॉन का सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि इस वायरस में अलामत जो है वो फीवर या कफ नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपके छोटी मोटी जो अलामत है वो हो सकती हैं, जैसे जॉइंट पेन है, अपर बैक पेन है, इसके अलावा निमोनिया हो सकता है, सर दर्द हो सकती है और भूख की कमी हो सकती है। लेकिन जो मेन सिम्टम्स थी फीवर और कफ वो इसमें नहीं होते। लेकिन इशू ये है कि ये पहले कोविड से 5 times मोर ख़तरनाक हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हदायत जारी की हैं और इंटरनेशनली भी कुछ रिकमेंडेशन आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि केयर करें, फासला रखें, डबल लेयर का अच्छा मास्क पहनें और अगर किसी तरह की अलामत आती हैं तो अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रजू करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी बाकी वीडियो से हट के है। इसमें हमने ये कोशिश करनी है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को इस तरह रखें कि डिस्टेंस कम ज़्यादा रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने पहले बात की, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको पता हो कि ये कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, क्योंकि पहले कोविड की तरह इसकी अलामत जो हैं वो जाहिर नहीं होती। इसलिए आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं और कोविड की इस नई किस्म जिसको ओमिक्रॉन XBB का नाम दिया गया है, इससे बचने की पूरी कोशिश करें। उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव पैगाम अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत ही लेटेस्ट है, ये आज ही आया है, तो मैंने कहा आज ही इस पर वीडियो बना दूँ। तो हेल्दी टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके चाहने वालों को इस इशू का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाज़त करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।